नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 70 वर्सेस Xiaomi Redmi 9 Active का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 70 में 6.49 इंच जबकि Redmi 9 Active में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 70 में 2.99 इंच जबकि Redmi 9 Active में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो टेक्नो स्पार्क 70 में 0.37 इंच जबकि Redmi 9 Active में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो टेक्नो स्पार्क 70 में 205 ग्राम जबकि Redmi 9 Active में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 70 में 6.52 इंचेस जबकि Redmi 9 Active में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो टेक्नो स्पार्क 70 में 81.94% जबकि Redmi 9 Active में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क 70 में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 9 Active की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क 70 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 9 Active की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क 70 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 9 Active में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो टेक्नो स्पार्क 70 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 70 में अप टू 256GB जबकि Redmi 9 Active में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 70 में Android V11 जबकि Redmi 9 Active में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी टेक्नो स्पार्क 70 में 6000 mAh जबकि Redmi 9 Active में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो टेक्नो स्पार्क 70 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9499 रुपीज़,
4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 9 Active की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 70 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9 Active की तो उसमें 1 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में टेक्नो स्पार्क 70 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें माइक्रोमैक्स सिन 2B है, जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme C21Y है, जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme C11 2021 है, जो कि 8,799 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y3S है, जो कि 9,490 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।